दिवंगत पिता बाबा सिद्दीकी के लिए बेटे जिशान ने मांगा इंसाफ। पिता को खोने के 5 दिन बाद छलका जिशान सिद्दीकी का दर्द। पहले नहीं होने दिया था पिता का पोस्टमार्टम, तो अब बोले व्यर्थ नहीं जानी चाहिए पिता की जान की कुर्बानी। बताया बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद कैसी है परिवार की हालत। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को 12 अक्टूबर दशहरे की रात गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया था। एक रसूखदार नेता की यूं सरेआम हत्या से पूरे देश में हड़कंप मच गया था, तो वहीं इस हादसे ने बाबा सिद्दीकी के पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। खास तौर से बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को, जो इस हादसे के बाद से ही सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं। हालांकि अब जिशान सिद्दीकी ने अपने दिवंगत पिता के लिए इंसाफ की मांग की है। साथ ही जिशान ने कहा है कि उनके पिता की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। दरअसल बाबा सिद्दीकी की हत्या के 5 दिन बाद जिशान ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने अपना दर्द जाहिर करते हुए कहा है कि मेरे पिता ने गरीब निर्दोष लोगों के जीवन और घरों की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी। आज मेरा परिवार टूट गया है, लेकिन उनकी मौत का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए और निश्चित रूप से इसे व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मुझे न्याय चाहिए, मेरे परिवार को न्याय चाहिए। जिशान का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो रहा है, तो वहीं फैंस भी बाबा सिद्दीकी के लिए जल्द से जल्द इंसाफ की मांग कर रहे हैं और जिशान के साथ सहानुभूति जता रहे हैं। आपको बता दें कि जिशान सिद्दीकी लगातार मुंबई पुलिस के संपर्क में हैं और इस हत्याकांड की जांच पर भी नजर बनाए हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते दिन मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच में जिशान ने अपना बयान भी दर्ज करवाया है। खबरों के मुताबिक जिशान सिद्दीकी ये भी जानना चाहते हैं कि जिस वक्त बाबा सिद्दीकी पर ये जानलेवा हमला हुआ, उस वक्त उनकी सिक्योरिटी में मुस्तैद सिक्योरिटी गार्ड्स आखिर कुछ क्यों नहीं कर पाए। बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस अब बाबा सिद्दीकी के तीनों बॉडीगार्ड से दोबारा पूछताछ करेगी। जानकारी के लिए बता दें कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही जिशान बेहद गुस्से में है। खबरें आई थी कि जिशान ने अपने पिता का पोस्टमार्टम किए जाने की इजाजत भी नहीं दी थी। जिशान का कहना था कि जब तक उनके पिता की हत्या की वजह का खुलासा नहीं हो जाता, तब तक वो पिता का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। वहीं पिता के अंतिम संस्कार के वक्त जिशान बुरी तरह से टूटे नजर आए थे। पिता का जनाजा कंधे पर उठाए जिशान लगातार रोए जा रहे थे। सैकड़ों समर्थकों की भीड़ में भी जिशान के आंसू रोके नहीं रुक रहे थे, वो बुरी तरह से रोते नजर आए थे। हालांकि अब जिशान ने अपने पिता के लिए इंसाफ की मांग की है। मुंबई पुलिस बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच में जुटी हुई है। इस हत्या की जिम्मेदारी सलमान खान के जानी दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई ने ली है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।